तुमने यहाँ किया, लेकिन पता नहीं इससे पहले भी कहाँ कहाँ गया क्यों? जस्ट शट अप। तुम्हें कोई हक ही नहीं है मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन करने का, जब तुम खुद कैरेक्टरलेस हो। हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माय कैरेक्टर। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अभी को समझा। इतनी मुश्किल से बच के यहाँ पे आए हो, वरना मेरे सामने दी को टॉर्चर करता और मुझसे भी टॉर्चर करवाता, मैं कुछ कर भी ना पाता। इससे पहले कि इसका इरादा बदल जाए ना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर आलिया का फोन आया था ना अभी के पास, और उसे लेट आने के लिए बोल रही थी क्योंकि ऑफिस में बॉस नहीं है। तो फिर आलिया ऑफिस में क्या कर रही थी? बॉस नहीं है पर प्रज्ञा थी तो है ना, कहीं वो उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं? और जरूर कुछ प्लान करके ही आई होगी। उस दिन मार्केट में भी पता नहीं किससे बात कर रही थी मैं, मुझे उसे रुकना होगा। जाकर ऑफिस में जितने लोग हैं सबको बुलाओ, आज सबके सामने इसका फैसला होगा। देखिए आप मुझे यहाँ ऐसे, मैं yes, मैंने अपना गुस्सा तो उतार लिया, अब भाई अपना गुस्सा उतारेंगे, ऐसी सजा देंगे कि पूरे शहर में बदनाम हो जाएगी। सब लोग आ गए, आप सब लोग इसे जानते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट। आप सब लोग इसे एक रिसेप्शनिस्ट की तरह बात करते हैं, इसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है, राइट? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूं। मैं इसे इतनी इज्जत देता हूं जो शायद ही किसी रॉकस्टार ने अपने फैन को दिया। इसे मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया, इसके साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी फैन। कोई मुझे सच्चे दिल से आइडल माने ना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जितनी खुशी मुझे इससे मिलकर हुई थी ना, आज उतना ही दुख हो रहा है। और ये हमारे ओनर मिस्टर सेठी के भाई, रिस्पेक्टेड मैन, आप सब लोग इसकी इज्जत करते हैं, राइट? और इसने इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। काम के बहाने ये इनके कैबिन में गई, अकेले देखकर इन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया। इन्हें लगा कि अगर ये इन्हें खुश कर देंगे तो इन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसा ही लगा ना आप सबको? तो इसकी इस बात की दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, या तो फिर हम सब ने इसे पहचानने में गलती कर दी। इसे शरीफ समझकर आप लोगों ने इसे काम पर रख लिया, और मुझे लगा कि ये सच्चे दिल की, और मैंने इसे फैन नंबर वन का खिताब दे दिया। चलो हमसे गलती हुई हुई, पर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे भरोसे का नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का तो लिहाज किया होता ना। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, और तुमने प्रमोशन के लिए अपनी इज्जत को खुद दांव पर लगा लिया। एक हार्ड वर्किंग गर्ल से तुम कैरेक्टरलेस गर्ल बन गई, क्यों? जवाब दो ना। वाह भाई, तो पूरे मूड में है इसका जुलूस निकालने के लिए। फैंटास्टिक आलिया। क्या हो गया? साफ सुन गया तुम्हें, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए मैंने आप मेरी मुझे नहीं, जवाब इन्हें दो, इससे जिससे लगता है कि तुम कैरेक्टरलेस हो। क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। In fact, इसने तुम पर जितने भी इल्जाम लगाए, मुझे लगता है कि वो सबके सब झूठ, सबके सब झूठ। भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम सबने वहां पर देखा इसने। हाँ, तुम लोगों को जो देखना था सुनना था तुम लोगों ने कर लिया, अब मैं बोलूंगा और तुम सब सुनोगे, और मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। ऑलराइट? लेकिन भाई आलिया, मैंने कहा ना बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ तो बॉस के ब्रदर, यार नाम क्या है तुम्हारा? वरुण सेठी। वरुण सेठी। तो वरुण सेठी, इसने तुम्हें मोलेस्ट किया, राइट? मोलेस्टेशन नहीं, पर हाँ ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। ओके, मोलेस्टेशन जबरदस्ती दो अलग अलग, मुझे लगा दोनों एक ही चीज है। मुद्दे पर आते, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ। कितने साल हो गए?
हमारा डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स किसने दिया, तुमने या तुम्हारी बीवी ने? ऑफ कोर्स मैंने। क्यों दिया तुमने डिवोर्स? क्यों, तुम्हारी बीवी ने तुम पर अटेम्प्ट टू रेप का केस डाला था? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर रवि, माइंड योर ब्लडी बिजनेस, यू गेट दैट? बॉस के भाई हो तो तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी बोलोगे हम सुनकर ले लेंगे? हा? तुम किसी पर झूठा इल्जाम लगोगे और उसे सजा मिल जाएगी? तुम सोच रहे होंगे ना कि मैंने तुम्हारी शादी की बात क्यों निकाली। वैसे मुझे किसी के पर्सनल मैटर में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी म्यूजिक प्रोड्यूसर के भाई का डिवोर्स हो गया। बाद में कारण पता चला कि डिवोर्स हुआ अटेम्प्ट टू रेप की वजह से। और जब मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया तो पता है किसकी फोटो निकली? तुम्हारी। मिस्टर अभी तुम खुद ही बोलो कि ये तुम्हारी फोटो है, फिर मैं तुम्हारे स्टाफ से कंफर्म करूं। मुझे तुम मोलेस्टेशन और जबरदस्ती का मतलब समझा रहे थे ना, अब तुम मुझे अटेम्प्ट टू रेप का मतलब समझो। समझा मिस्टर वरुण सेठी? क्या हुआ, हो गई ना बोलती बंद? हाँ, अब ये क्या बोलेगा? अब जिस इंसान पर ऑलरेडी एक अटेम्प्ट टू रेप का केस चल रहा है, जिसकी वजह से इसकी वाइफ ने इसे डिवोर्स दिया है, और जिसके ऊपर ऑलरेडी अटेम्प्ट टू रेप का केस चल रहा है, अगर वो किसी और पर अटेम्प्ट टू रेप का इल्जाम डाले तो क्या आप लोग इसकी बात पर विश्वास करेंगे? क्या आप लोगों को ये बात डाइजेस्ट होगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी, खास करके तब जब बात मेरे फैन की हो। आप लोग मानते हैं ना कि नाम, पैसा, औधा, स्टेटस में मैं इनसे कई ऊपर हूं। इस लड़की को मैंने कई बार घर पे छोड़ा, इसे कॉफी पर ले गया, खाना खाए साथ में। इसने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। अगर इसके बदले में कोई और होती तो वो शायद इस बात का गलत मतलब निकाल लेती, लेकिन इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये लड़की अपॉर्चुनिस्ट है, मौके का फायदा उठाती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, पर इसने आज तक मेरे साथ गलत क्यों नहीं किया? इसे तो बहुत सारे मौके मिले हैं ना, तो इसने मेरे साथ जबरदस्ती क्यों नहीं की? अगर ये चाहती तो मीडिया में जा सकती थी, पब्लिसिटी कर सकती थी खुद की, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई जवाब है तुम लोगों के पास? वेल, मैं बताता हूं इसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि ये ऐसी है ही नहीं। अरे इसने मेरे साथ जबरदस्ती तो क्या, आज तक इसने मुझे छुआ तक नहीं, और गलती से जब एक दो बार मैंने इसे छू लिया तो लेफ्ट राइट देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। अब जिस लड़की को अपनी इज्जत की इतनी परवाह है, तो क्या वो प्रमोशन के लिए अपनी इज्जत को दांव पर डालेगी? अरे ये इतनी भोली है, इतनी मासूम है, इतनी स्वीट है ना, कि अगर मैं अपनी आंखों से इसे कुछ गलत करता हुआ देखूं तो मैं अपनी आंखों पर डाउट करूंगा, पर इस पर नहीं। Well, अब मेरी नजरों में इसकी इमेज क्लियर है, आप लोगों के सामने क्लियर पिक्चर है। ये सोसाइटी ऐसे लोगों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉस जैसे लोगों की वजह से खराब हो रही है। अब अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो ये है। पकड़ लो इसे। मुझे गुड जॉब अभी। क्या सही जस्टिस किया तुमने? अरे तू तो क्या था ना, बिल्कुल सही टाइम पर आया। पूरा एक काम कर, तू इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर। अब आएगा मजा। अरे तुम मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो?
तुम एक काम करो, तुम उसे उल्टा लटका दो। इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की ना, तुम इसके साथ जो करना करो। थैंक यू। नहीं, मैं तुम्हारा सॉरी सुनने आया था, लेकिन चलो मामला थोड़ा टेंस है, अभी थैंक यू से काम चलाता हूँ। तुम्हें यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं, जहाँ तुम्हें इज्जत नहीं मिलती। एक काम करो, अपना एक नौकरी वोकरी निकाल के इसके मुंह पर फेंक दो। एक सेकंड, नौकरी छोड़ने से पहले तुम्हें एक काम करना है। कौन सा काम? वो वाला। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ, मेरा दोस्त पूरब है, सब स्टाफ है, सब संभाल लेंगे। आप मुझसे क्या करवाना चाहते? देखो, मैं जानता हूँ तुम चश्मा पहनती हो, तुम गांधीगिरी में बिलीव करती हो, मतलब एवरीथिंग शुड बी नॉन वायलेंट। तो इसलिए तुम जाओ, उसने तुम्हारे साथ जो जो किया ना, उसके लिए खींच कर चमाट खींच दो, चमाट। मतलब इसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए चमाट तो बनता ही है। क्यों? तुम मुंह तोड़ जवाब देता। अरे मैं? और नहीं तो क्या? अरे जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ की ना, तो जवाब तुम ही दोगी। अगर मेरे साथ करता तो जवाब मैं देता। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, जाकर पहले एक चमाट खींच लो, उसके बाद मैं संभालूंगा। मैं कैसे? अरे तुम कैसे का मतलब, तुम मेरी फैन नंबर वन हो ना, मेरी फैन नंबर वन हो, तुम अपने अंदर की हिम्मत को जगाओ, काली मां बन जाओ और दे दो चमाट। कम ऑन, गो। अरे बोलो ना इसे। अरे मारो ना एक चमाट, मारो ना चमाट। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मेरे ऑफिस में मेरे स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट। अरे कौन सी इंसल्ट की बात कर रहे हो तुम? तुम अपने ऑफिस में नंगे खड़े हो, कपड़े उतर गए तुम्हारे, तुम कौन सी? तुम जाके चमाट खींच लो, वरना बकबक करता रहेगा, हीरो बन रहा है। अरे पूरा तू एक काम कर, तू उसकी रिकॉर्डिंग निकाल, जो बची कुछ इज्जत है ना, हम ऑनलाइन वीडियो डालकर सब कुछ निकाल लेंगे, इसका हीरो बनेगा। हैं? कम ऑन चमाट क्वीन, गो। फैन नंबर वन हो कि नहीं? तो डर क्यों रही हो? जा, एंजॉय योरसेल्फ। तूने मुझे कैरेक्टरलेस बोला, तू कैरेक्टरलेस, तूने पूरा खानदान कैरेक्टरलेस। तूने तूने हाथ कैसे लगाया, हिम्मत कैसे हुई तुझे? मुझे छूने की शर्म नहीं आती? कोऑपरेशन चाहिए, तू प्रमोशन देगा मुझे? तेरे बाल नोच के ना गंजा कर दूंगी मैं तुझे, मुंह काला करके ना तुझे जुहू बीच में ना नंगा करके गधे पे बिठा के पूरे जुहू बीच में घुमाऊंगी, फिर देख लेना तू प्रमोशन करवाएगा तुझे। हां मैं तेरे साथ कोऑपरेट करूं, हां छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या कर रही है? जकरों को मार डालेगी? अपने आप को जवाब ही नहीं दो, जिससे लगता है कि तुम कैरेक्टरलेस हो। क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे ये इतनी बोली है, इतनी मासूम, इतनी स्वीट, इतनी स्वीट, अगर मैं इतनी, अगर मैं इसे कुछ गलत कैसे कुछ करूं, तो मैं अपने आंखों पर, अपने आंखों पर इस पर नहीं, पर इस पर नहीं। कभी भी वही सब हो रहा है जो पहले होता था। भाई जिस तरह से प्रज्ञा की साइड लेते हैं, कभी कभी लगता है कि उनकी याददाश्त गई ही नहीं। मैंने प्रज्ञा को पूरी तरह से फंसा दिया था ताकि जो उसे देखे वो उसे ही गलत समझे। पता नहीं भाई ने क्या देख लिया जो इतना डीप में जाकर इतना सब कुछ। मेरी बात ना सुनकर उस प्रज्ञा पे ब्लाइंड फेथ करा उन्होंने। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? उन्हें उसका नाम तक याद नहीं, चेहरा याद नहीं, फिर उसे लेकर उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? फिर से जादू चला रही है वो प्रज्ञा, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। हाथ नहीं, अपना सर पटको, शायद थोड़ी अकल तुम में आ सकती है। चलो मुझे लगा कि
कि एक इंसान के गिरने की एक लिमिट होती है, बट भला जमीन से नीचे कोई कैसे गिर सकता है? तुमने तो अपने घटियापन से अपनी ये हरकतों से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिए, नए नए लेवल पार कर दिए, और जैसे जैसे इन लेवल पे जा रही हो ना, तुम अपनी इंसानियत खोते जा रही हो। अब मुझे डर है किसी दिन एक जानवर ना बचा। Enough, पूरब, stop it. बोलने से पहले सोच लिया करो, मुझे भी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है? तुम्हें तकलीफ का मतलब जानती हो? तुम सिर्फ तकलीफ देना जानती हो। अगर तकलीफ का मतलब जानती हो, उसे फील करती ना, तो प्रज्ञा जी के साथ वो नहीं करती जो तुमने किया। क्या किया तुमने? सबके सामने उन्हें कैरेक्टरलेस प्रूफ किया, सबके सामने उनकी इंसल्ट की, उनकी इमेज खराब करी। एक लड़की होने के बावजूद तुम जानती नहीं कि एक दूसरी लड़की के लिए ऐसा ब्लेम, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती पूरा? Do you think I really care about her? मुझे कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं पूरा, वो जब तक घर में थी मैंने उसे कुछ भी नहीं, लेकिन उसे पूछो कि उसे क्या जरूरत थी वापस हमारी लाइफ में आने की, उसे क्या जरूरत थी भाई के आस पास घूमने की। वो वापस उसकी प्लानिंग थी, उसकी प्लॉटिंग, नाम बदल उसने ये सब कुछ किया। और जब वो भाई के आसपास रहेगी तो मैं तो उसे मिलूंगी ही ना। तुम्हारे को शायद रियलाइज नहीं होता कि उनका रिश्ता बहुत पहले जुड़ चुका था। अब एक नई पहचान है, नई फीलिंग्स है, पर रिश्ता पहले जैसा ही है। और जब तक इन दोनों का प्यार इनके बीच में है ना, इन दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम याद रखना यार। माई फुट फीलिंग्स, माई फुट। भाई उससे सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं पूरब, क्योंकि वो उसे अपना नंबर वन फैन मानते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, फीलिंग्स माई फुट, तो तुम एक बात बताओ कि अभी ने इतने लाखों फैंस में से प्रज्ञा दी को क्यों चुना? प्रज्ञा दी तो नहीं गई थी अभी के पास, ना ही अभी खुद डायरेक्टली गया था प्रज्ञा दी के पास। आलिया उन दोनों की किस्मत है, उन दोनों की डेस्टिनी है, जो उनको अलग रखते हुए भी बार बार उनको पास लेकर आती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इल्जाम तुम लगा रही थी प्रज्ञा दी पर, फर्क अभी को पड़ रहा था। और प्रज्ञा दी ने नहीं बोला था अभी को कि उसका साथ देने के लिए, वो तो अभी है जो उसे देखा नहीं जा रहा था कि तुम प्रज्ञा दी के साथ क्या कर रही थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो अपने दिमाग से प्रज्ञा दी को भूल चुका है, उसको कुछ नहीं याद, पर उसका दिल है ना, उसको अपने दिल से सब कुछ याद है। यू नो व्हाट, टुडे आई चैलेंज, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक सक्सेसफुल होती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जो तुम करोगी ना उसका आउटकम वही होगा जो कि आज हो। तुम कभी अपने किसी मिशन में कामयाब हो नहीं पाओगी, मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा कोई प्लान खराब नहीं करूंगा, इन दोनों का जो प्यार है ना वो बीच में आएगा और वो तुम्हारा प्लान खराब करेगा, और ऐसा होगा। पर तुम सोचो कि जब अभी को पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो तुम क्या करोगे, उसके सवालों का जवाब कैसे दोगे, क्या बोलोगी कि तुम्हारी प्रज्ञा दी के साथ क्या दुश्मनी है, तुमने उनके साथ ये सब क्यों किया, क्या बोलोगी तुम? बात चाहे 2.5 साल पहले की हो या 2.5 साल बाद की हो, अभी वही करेगा जो सही है, और ये बात तुम जानती हो। वो हमेशा सही का साथ देता, और जब उसको पता चलेगा कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ेगा। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर इस काम का जाने दो उसे। तुम पानी पी लो, रुको मैं लेकर आती हूँ। नहीं जी। तो क्या पियोगी अपने बॉस का खून? आप? तो क्या वरुण थोड़ी ना आएगा, वो तो बाहर अपने गाल को सेक रहा है जहां तुमने चमाटे खींचे थे। मुझे लगा था अभी तक गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन एनीवेज लो पानी पी लो। नहीं जी। पानी पी लो वरना तुम्हारे सिर पे डाल दूंगा, ऐसे नहीं तो कम से कम ऐसे तो गुस्सा ठंडा होगा, ले लो। थैंक यू। दांत दिखा, हाँ तो ठीक है, दांत दिखा। क्या? दांत नाखून भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, दांत भी ठीक है। भीगी बिल्ली से शेरनी कैसे बन गई? वो तो आपने इतना चढ़ाया मुझसे गुस्सा नहीं कंट्रोल हुआ। मैंने तो उसके सर पे चढ़ने को कहा था, तुम तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। कितने चमाटे खींचे तुमने उसे। आपने तो बोला चमाट खींचने के लिए। अब मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगी?
हाँ करूंगी। अच्छा तो एक काम करो, अब किसको मारना है? मारना नहीं है, तुम्हारे घर में चावल है? हाँ है। कितने होंगे? ये क्यों पूछ रहे? ए, जो पूछ रहा उसका जवाब तो ना, कितने होंगे? होंगे कुछ 5-7 किलो। अरे वजन नहीं, तो गिनती में कितने होंगे? वो मुझे कैसे पता होगा? तो एक काम करो, घर जाओ और चावल की गिनती करो, और जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना कितने है। क्या? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों, तुमने तो कहा था कि मैं जो बोलूंगा तुम करोगी। मैंने सेंसिबल चीजों के लिए कहा। दाल है? हाँ है। हाँ तो दाल की गिनती करो, मुझे बता देना कितने। दाल की गिनती करना सेंसिबल काम है? अरे दाल में क्या होते है, विटामिंस। विटामिंस दिमाग के लिए अच्छा होता है, तो हो गया ना दाल सेंसिबल। मुझसे ये सब काम नहीं होगा। अच्छा तो गुस्सा तो शांत हो सकता है ना, तो अभी फिलहाल अपना गुस्सा शांत करो, और तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ, और तुम्हारी जो सैलरी है मैं इस ऑफिस से कलेक्ट करवा लूँ, और तुम्हारी जो इंसल्ट हुई थी उसके लिए अलग से कॉम्पेंसेशन भी लेना। मुझे नहीं चाहिए कॉम्पेंसेशन। आते हुए पैसे को कोई मना करता है क्या? ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम लेकर मुझे दे देना, मैं पैसे को मना नहीं कर सकता। मेरे यार है ना। अब क्या रुके, क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें घर भी छोड़ूंगा? अच्छा सुनो, पर्सनल क्वेश्चन, अभी तुमने जो अवतार लिया था ये तुम सिर्फ गुस्से में लेती हो या फिर ऐसे भी ले लेती हो? आप फिक्र मत कीजिए, आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी या इससे भी ज्यादा बुरा करेगी?